दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाते हैं अरबी के पत्ते और आलू की सब्जी एक नई तरीके से। कैसे बनाते हैं जान लेते हैं। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हम बताते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये देखिए, अरबी के दो पत्ते जो हमने धो करके रखे हुए हैं, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटी हुई प्याज, चार पांच कलियां लहसुन की जो बारीक काट करके रखी हुई है, चार आलू जो हमने काट करके धो करके पानी में डुबा करके रखे हुए हैं। अब मसाले जान लेते हैं। हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, मिर्ची पाउडर, साबुत जीरा, नमक और तलने के लिए घी तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वही डालिए। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और गैस पर कढ़ाई रखते हैं। और अब गैस पर कढ़ाई रखने के बाद अब हम इसमें तेल डालते हैं, एक बड़ा चम्मच। अब इसको गर्म होने देते हैं। अब तेल गर्म होने के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालते हैं। जैसे ही जीरा ब्राउन होता है इसके बाद हम इसमें लहसुन डालते हैं जो बारीक चार पांच कली हमने काट करके रखी है। अब इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज डालते हैं, इनको हल्का सा भूनते हैं। और जब तक हमारा सॉस तैयार होता है अब हम तब तक अरबी के पत्ते काट लेते हैं। अरबी का पत्ता कैसे काटना है ये देखना, जो हमने धो करके रखा। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड कर। अब इसको ऐसे जैसे बीच की डंडी होती है इसको निकाल देते, ऐसे काट देते हैं यहाँ से। ये बीच की डंडी निकाल देते हैं। ये थोड़ी सख्त होती है इसलिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे इकट्ठा करने के बाद अब इसको बारीक बारीक काट लेते हैं, ऐसे ऐसे जितने पत्ते की सब्जी बनानी ऐसे काटने, जितने भी पत्तों की सब्जी बनानी है उतने ही काट लीजिए बारीक बारीक ऐसे। और देखना एक लाजवाब सब्जी, कितनी अच्छी सब्जी बनती है आलू और अरबी के पत्तों की सब्जी। आपने शायद ही पहले कभी खाई होगी, अगर नहीं खाई तो बनाइए, जरूर बनाइए और खाइए ऐसे। अब दूसरा पत्ता काट लेते हैं और ऐसे ही सारे बारीक बारीक काट लेंगे। अब इसके बाद हम इनको एक बार फिर से धोते हैं। देखिए तब तक हमारा सूप भी तैयार है हमारा। अब देखिए अब इसमें सब इसके बाद हम टमाटर डालते हैं जो हमने बारीक काट कर रखे थे, इनको अच्छे से फ्राई करते हैं। इसके बाद इसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं, एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच पिसा धनिया डालते हैं, अच्छे से थोड़ा और भून लेते हैं। जैसे टमाटर गल जाता है तब तक इसको ऐसे चलाते रहिए और अरबी के पत्तों को धो लेते हैं दोबारा से अच्छे से। अब इनको ऐसे निचोड़ करके पानी से बाहर निकालिए, ऐसे किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब देखिए हमारा सॉस बिल्कुल तैयार है, टमाटर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालते हैं। मिर्ची पाउडर डालने के बाद हम इसमें अरबी के पत्ते डालते हैं, अच्छे से भून लेते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। अब जैसे ही पत्ते नरम हो जाते हैं अरबी के पत्ते, इसके बाद हम इसमें आलू डालते हैं जो हमने काट करके रखे हैं धोकर।
मशरूम को भी अच्छे से भून लेते हैं, अच्छे से फ्राई करते हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं, सूखी सब्जी बनानी है इसलिए थोड़ा पानी डालते हैं। अब इसमें नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, और इसको ऐसे घुमाने के बाद अब इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। अब देखते हैं हमारी सब्जी तैयार है कि नहीं। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, आलू और अरबी के पत्तों वाली सब्जी। जैसे ऐसे काट करके देखते हैं हमारी सब्जी गली के नहीं गिरी। देखिए जैसे ही आलू कट जाता है नीचे, समझिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और अब इसको परोसते हैं। तो देखिए हमारी आलू और अरबी के पत्तों की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसको पराठे साथ खाइए। आप इसको देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दोस्तों।